साहिबगंज में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के लचर व्यवस्था से उदवा के ग्रामीण परेशान। आपको बता दें, साहिबगंज में ही जहां उदवा प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण प्लास गाछी पंचायत में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय युवा सेवा संगठन सह कुछ ग्रामीणों ने मिलकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रखंड अधिकारी पदाधिकारी उदवा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोगों ने दक्षिण प्लास गाछी बाजार में अवस्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने की मांग की है। साथ ही पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कादिर टोला को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की भी मांग की है। आपको बता दें, 40,000 आबादी वाले क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं है, जिससे उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही न ही कोई चालू स्वास्थ्य केंद्र भी है। आपको बता दें कि अवस्थित यह उप स्वास्थ्य केंद्र दशकों पहले बना था, बनने के बाद तकरीबन 10 दिन बाद ही लोगों को इसका लाभ मिल पाया था। उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिया गया और आज तक उसका ताला नहीं खोला गया। इससे वहां के लोग इलाज के लिए इधर उधर वर्षों से भटक रहे हैं। कोई पश्चिम बंगाल चला जाता है इलाज के लिए, तो कोई साथनी झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज करा लेता है। परिणाम स्वरूप अब तक कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई उठानी पड़ती है। परिजनों को दूर दराज अपने निजी वाहन क्षेत्र वाहन से ले जाना लोगों को पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है। क्या समस्या है? इस क्षेत्र में लगभग 30,000 से 40,000 लोग जो है यहाँ बसे हुए हैं। जी जी। और इसका जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, एक शिक्षा का और दूसरी स्वास्थ्य का, इसमें से यहाँ पर सबसे बदतर स्थिति है यहाँ का। तो इसके और अच्छे स्थिति हो, इसके लिए हम सबों ने युवा संगठन में एक आवेदन जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को दिए हैं हम लोग, कि हम लोग की स्थिति को और उजागर किया जाए। जी, ये कौन पंचायत है? ये दक्षिण प्लास गाछी पंचायत। तो क्या उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा दिया गया ही कि उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी के जो भी स्वास्थ्य विभाग से आए हैं आपकी योजना आपके द्वारा आपकी सरकार में, उनको बुला करके सॉर्ट आउट करने की जल्दी कोशिश करने के लिए कहेगा। और शिक्षा विभाग को लेकर? शिक्षा विभाग को लेकर कहें तो ये तो हाई स्कूल हमारी अभी तो मैटर से बाहर है। तो प्राइमरी जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उनको जल्द ही सॉर्ट आउट करने के लिए आश्वासन दिया। मेरा यही निवेदन है कि इसको चालू किया जाए। इस स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारा लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है, इधर उधर आदमी भटकते रहता है। मेरा यही निवेदन है, बार बार निवेदन है मेरा सरकार से कि इसको चालू किया जाए। आपके क्षेत्र की कितने जनता है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो इस स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर, जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके बाजार में, तो इस पर निर्भर है, कितना लोग निर्भर? मेरे क्षेत्र में लगभग 30,000 से 40,000 लोग हैं जो मेरे स्वास्थ्य केंद्र में जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि ये बंद पड़ा है तो लोग स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाते होंगे? यहाँ बंद पड़ा है तो लोग स्वास्थ्य के लिए उधर जाता है, राजमार जाता है, कहीं भी जाता है, दूर में जाना पड़ता है उन लोग को। लेकिन नजदीक में नहीं है तो उठवा भी है बन के, तो उसमें उसको चालू करेंगे तो आदमी इधर उधर नहीं भटक देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं रबीउल आलम, मैं दक्षिण प्लास गाछी के निवासी हूँ। और क्या समस्या है आपका? समस्या यह है कि यहाँ जो है वर्षों से एक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 30,000 से 40,000 है। जी। तो अब तक जो है ये स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हुआ है, सुचारू रूप से चालू किया जाए। और हमने जो है आज आपका सरकार आपके द्वार जनता दरबार में गए थे, वहाँ पे वीडियो आए थे, जहाँ पर हम लोग सभी लोग मिलकर, ग्रामीण मिलकर एक ज्ञापन सौंपे हैं वीडियो सर को। और वीडियो सर ने हम लोग को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। और अभी तक जो है हमारे यहाँ उपकेंद्र का ANM कौन है, कब आ रहा है, मतलब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा बंद ही रहता है, एकदम हमेशा बंद रहता है। तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते होंगे? इलाज के लिए हम लोग बंगाल जाते हैं और कहीं जाते हैं, मतलब जहाँ जरूरी होता है, जैसे मालदा चल गए या फिर राजमहल उद्भवा, जहाँ भी सुविधा मिले। तो इसमें जो गरीब परिवार रहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से हम लोग ग्रामीण मिलकर यही आवेदन करेंगे, चाहेंगे कि हमारे एरिया में जो उपकेंद्र है इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और इसको मतलब ठीक से चलाया जाए। क्या शिक्षा के विषय में, हाई स्कूल के विषय में उन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है, तो आवेदन को हम ले लिए हैं और लोक एजुकेशन ऑफिसर को उनसे बात करके हम लोग उस पर हम लोग पहल करेंगे। और एक आवेदन भी दिया गया है
PSC की स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए NM के विषय में। तो अभी स्वास्थ्य विभाग के जो एक आए हुए थे उनसे हम बात किए, उनका कहना कि यहाँ पर NM डिप्यूटेड है जी, तो हम इसके विषय में भी डॉक्टर साहब से बात करके फिर उस आवेदन पर हम लोग कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे। सर यहाँ ANM करीब चूँकि 20 साल से ये जो स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र हैं बंद पड़ी हैं, तो यहाँ वो डिप्यूट होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोग स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर वहर दौड़ना पड़ता है, बंगाल जाता है। बात किए तो ANM तो है यहाँ पे, और अभी कोविड के चलते बोले हैं कि वो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं, तो इस संबंध में हम डॉक्टर साहब से बात करके ही सारी वस्तु स्थिति को बता सकते हैं। आवेदन जो भी दिए हैं उसको हम लोग ले लिए हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।